एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे रीठा आमला और औषिका काई को लगा रही हूँ अपने बालों में, जो कि मैंने रात को भिगोए थे और सुबह इनको पीस के मैंने अपने बालों में लगाया है। और ये है मेरे बालों का सीक्रेट। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ खिचड़ी। पता नहीं क्यों इतनी मतलब भयंकर गर्मी है, इस वजह से खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो मैंने बनाई है खिचड़ी नाश्ते में मूंग दाल की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और हल्की भी होती है। तो खिचड़ी मैंने रख दी है बनने के लिए और मैं पहुँच गई हूँ बाहर लॉबी में, क्योंकि रीठा आमला से आज मैंने बाल धोए थे ना, तो ये ना थोड़ा सा बालों में रह जाता है। तो ये ना फिर जब आप बालों को मतलब कंघी करते हो तब वो निकलता है, झड़ता है। तो मैं अब जा रही हूँ लॉबी में और लॉबी में अच्छे से बालों को झाड़ूंगी और थोड़ा सा ड्राई करूँगी, फिर वहीं पर अब कॉम्ब भी करूँगी, कंघी भी करूँगी वहीं पे। तो मैं पहुँच गई हूँ डस्टबिन के पास में और वहाँ पे अच्छे से बालों को मैंने झाड़ा। अगर ये कोई कर पाए, अगर रीठा आमला सिका काशी अगर कोई बाल धो पाए, तो ना तो कभी कलर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कभी मतलब हर तरह की समस्या आपकी बालों की ठीक हो जाएगी, बाल झड़ना, ग्रोथ करना, और यहाँ तक कि आपके बाल काले भी रहेंगे कलर की तरह। आपको कोई कलर डाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज वॉश किए हेयर वॉश, तो पता है मेरे हाथ इतने काले हो गए हैं कि लगता है मुझे कि 5-6-7 दिन में ही वो छूट पाएंगे। और बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने छुटाने का उनको किया नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के थ्रू उनको छुटाने का प्रयास किया हो, वो नहीं किया है। और आज मम्मी आने वाली थी तो वो आ चुकी हैं, तो वो ढेर सारा सामान लेके आई हैं, तो वो मैं निकाल रही थी। तो ये बोतलों में दूध है और छाछ है, उसके बाद ये है मिठाई का डिब्बा और ऊपर ये प्रसाद है, तो मैंने ये दीक्षा को दे दिया है। मैंने कहा पूजा में रख दो, मिठाई कहीं से भी कुछ भी आती है तो मैं सबसे पहले पूजा में रखती हूँ, पूरा जो भी होती है उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। ये है अचार और मतलब जो भी सामान था मतलब घर में अवेलेबल वो लेके आई हैं। ये हैं भुंटियाँ जो कि खेत में थी तो वो लेके आई हैं, और केले हैं, कच्चे केले, वहाँ पे ना केले के पेड़ लगे हुए हैं तो सब्जी के लिए वो लेके आई हैं, और साथ में खाना भी लेके आई हैं। तो ये है कचौड़ी, ओली लंच मत बनाना तो इसलिए आज मैंने लंच नहीं बनाया है। और आज के लंच में हमारी रायता कचौड़ी या फिर चाय कचौड़ी, जैसी जिसकी चॉइस होगी वो चलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता पानी था वो भी हो चुका है, मतलब नाश्ता तो सुबह ही हो गया था लेकिन लंच भी हो चुका है। सूरज ने, आकाश ने रायता के साथ कचौड़ी एंजॉय की थी और हम लोगों ने चाय के साथ। यहाँ पे मम्मी कपड़े देख रही थी, मतलब अपनी पोतियों के सूट सिलाने हैं लेके आई थी, तो उनको देख रही हैं, बता रही हैं कि ये सिलवाना है, वो सिलवाना है। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, तो सो के उठे तो खरबूजा काटा हम लोगों ने और खरबूजा खाया सभी ने। और आकाश छोड़ने आए थे मम्मी को, तो आकाश अब निकलेंगे वापस और मम्मी 2-4 दिन रुकेंगी। काफ़ी दिन बाद आई हैं इस बार मम्मी, तो यहाँ पे आकाश लंच करेंगे और ये निकल जाएंगे अब। उसके बाद शाम के 4 बजे समथिंग मैंने अपना यहाँ पे प्लाजो की कटिंग की है और स्टिचिंग भी की है, सिल लिया है मैंने अपना प्लाजो और भिगा दिया है पानी में अभी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आइसक्रीम की तैयारी, आइसक्रीम बनाऊँगी, जमाऊँगी, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, जिसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, क्योंकि आइसक्रीम आप लोग जानते हो नेक्स्ट डे तैयार हो पाती है। और रात को ये दीक्षा कर रही है सुंदरकांड का पाठ और मैं किचन में बना रही हूँ डिनर।
तो डिनर भी हमारा आज बहुत हल्का है क्योंकि लंच में सबने कचौड़ियाँ खाई थी, फिर खरबूजा खाया तो सबने मना कर दिया, हम थोड़ा सा खाएंगे बस, कुछ ऐसा हल्का फुल्का बना लो। तो मैंने बनाई थी तहरी, तो लंच में हमारी तहरी बनाने जा रही हूँ मैं। तो क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है, बस लिक्विड वगैरह लेते रहो, बस उसी से पेट भरा रहता है और बिल्कुल खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही है। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है सच में, मैं आजकल खाना बिल्कुल खा ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मैंने सिंपल तरीके से बस तहरी बनाई है, ऑयल गर्म किया, जीरा ऐड किया, प्याज लहसुन ऐड किया और सभी को भुनने के बाद हमने यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च को ऐड कर दिया। बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक, और बस उसके बाद मसालों को भून के अच्छी तरह से, और शिमला मिर्च को ऐड कर दिया और आलू को ऐड कर दिया, चावल को ऐड कर दिया। तो बस सिंपल सी हमारी तहरी बन के रेडी हो गई। और आज हमारे यहाँ क्या, आज सभी जगह मतलब जो सरकार का जीतने हारने का जो दिन है वो है, तो किसके यहाँ कौन जीता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ सपा की जीत हुई है और हम मतलब मेरा तो ये रहता है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, मैं मेरा मतलब खुशी और वो सब नॉर्मल रहती है सभी के लिए, है ना। और किसी मतलब आप अपना अपना बताइएगा कि आपके यहाँ किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई और कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने कुकर का जो ढक्कन है, लिड है, उसको लगा दिया है और बस मैं एक विशिल लगाऊंगी और हमारी जो तहरी है वो बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन पता है अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि मैंने ना बनाई थी पतली पतली, लेकिन वो ना पतली हुई और ना ही मतलब वैसी वाली हुई, खिले खिले चावल वाली भी नहीं हुई, बीच की हो गई, तो टेस्टी नहीं लगी थी। लेकिन कोई नहीं, वैसे भी किसी का ज़्यादा खाने का मन नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा खाने का मन था। मम्मी को इतनी थोड़ी दी थी, उसमें भी मम्मी ने निकाल दी, बोली और कम कर दो इसको, हमारा मन नहीं है। और दूसरी थाली में हमने और दीक्षा ने दोनों लोगों ने खाई, किसी का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था ज़्यादा खाने का। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग।